आज के इस कक्षा में हम प्रश्नावली 3.1 के प्रश्नों को हल करने जा रहे हैं। प्रश्न संख्या 1 है, निम्नलिखित को दशमलवों में लिखिए। इसका पहला है 5/10। तो आइए देखते हैं इसे किस तरह से दशमलव में हम लिखते हैं। तो सबसे पहले जो अंश में दिया हुआ है इसे हम लिख लेते हैं। ये अब हम देख रहे हैं कि ये हर में एक के बाद कितने शून्य हैं, तो एक शून्य है, तो हम दाहिनी ओर से यहां से गिनते हैं अंक, तो ये हो गया एक, तो एक ही शून्य था, तो यहां पर हम ये दशमलव लगाते हैं और इधर शून्य, तो ये हो गया 0.5। अब यहां देख रहे हैं दूसरा नंबर 4/3/10, तो ये तो 4 है ही, चलिए, और ये 3/10 को हम ठीक इसी पहले प्रश्न की तरह हम यहां पर लिखेंगे 0.3, तो ये हमारा आ गया 4.3। अब इसी तरह से अब हम यहां देखते हैं, तो ये है 15/6/10 को हम लिखेंगे 0.6। अब 3/100 को हम लोग देखते हैं, 3 पहले लिखते हैं, अब यहां देख रहे हैं कि बटा में एक पर यानी हर में एक पर कितने शून्य हैं, 2 शून्य हैं, तो हम यहां से गिनती करेंगे एक, अब यहां कुछ नहीं है तो एक शून्य बैठा के गिनती करते हैं, 2, अब यहां पर दशमलव देंगे, तो ये हमारा ये थोड़ा सा यहां पर ठीक कर देते हैं, ये 3.00, तो ये हमारा हो गया 15.63। अब ये 2/5 है तो इसे हम क्या करेंगे, इसके हर को 10 बनाएंगे, है ना, तो इसके लिए हमें किससे गुना करना पड़ेगा हर को, 2 से, तो फिर हम अंश को भी 2 से गुना करेंगे, तो ये हो गया 4/10, तो फिर पहले प्रश्न के अनुसार ये हो जाएगा 0.4। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित को सरलतम भिन्न में लिखिए। तो ये भिन्न में दिए हुए हैं, इन्हें सरलतम भिन्न में लिखना है, तो ये पहला प्रश्न है 0.04, तो सबसे पहले हम यहां लिखते हैं अंश में 4/ हर में हम पहले एक देते हैं, इसके बाद हम देखते हैं कि दशमलव के बाद कितने अंक हैं इधर, तो यहां है 1, 2, तो उतने ही शून्य यहां पर होंगे। अब अगर हम इसे 4 से 100 को काटें तो ये 4 × 4 और ये आ जाएगा 25, तो ये हमारा सरलतम भिन्न में आ गया। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं, तो यहां अंश में हम इसे लिखते हैं 2.25 को 225 और बटा में एक के बाद देखते हैं दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 1, 2, तो यहां 2 शून्य आ जाएंगे। अब इसे अब हम काट के देखते हैं, सरल करते हैं, तो ये 25 से हमारा 9 बार कट जाएगा और ये 25 से 4 बार, तो ये हमारा सरलतम भिन्न आ गया। अब इसी तरह से ये 625/1 पर उतने ही शून्य होंगे जितने दशमलव के बाद अंक हैं, तो यहां 1, 2, 3 अंक है, तो यहां 1, 2, 3, तो इसे अब हम काटना चाहेंगे, तो इसे अगर हम 25 से काटते हैं तो हम जानते हैं ये हो जाएगा 25 बार में, और इसे 25 से काटेंगे तो ये 40 बार में, तो अभी और 5 से कट जाएगा, ये 5 से 5×5=25 और 5×8=40, तो ये आ गया हमारा 5/8। अब यह है 15,1580, दशमलव हमने हटा दिया और बटा में एक पर 2 शून्य हो जाएंगे क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक हैं। अब इसे हम सरल करेंगे तो ये शून्य कट गया और अब 2 से इसे काटेंगे तो 2×5=10 और 2 से काटेंगे तो 2×7=14, 1 बच गया, 18, 2×9=18, तो ये
79/5 आ गया। अब प्रश्न संख्या 3 देखते हैं, कौन बड़ा है। तो इसका पहला है 0.1 या 0.101। तो इसे हम पहले समान दशमलव में लिखते हैं। तो 0.1 को हम लिख सकते हैं 0.100। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं कि ये दूसरे वाले में दशमलव के बाद 3 अंक है, और ये तो हमारा वही है 0.101। तो इसे फिर से हम ऐसे लिख लेते हैं। अब हम दशमलव पर ध्यान नहीं देते हैं और बगैर दशमलव के अभी इसे पढ़ते हैं। तो ये 100 है और ये 101 है, अर्थात बड़ा कौन से, ये 0.101। इसलिए 0.101 बड़ा है। अब इन दोनों में चूंकि ये समान दशमलव है, दशमलव के बाद यहां भी 2 अंक है, दशमलव के बाद यहां भी अंक है, तो दशमलव पर ध्यान न देते हुए अगर हम इसे पढ़ें तो यह है 225 और यह है 252। तो कौन सा बड़ा हो गया, ये वाला 2.52। इसलिए 2.52 बड़ा है। अब इसी तरह ये तीसरे वाले में भी देखते हैं कि यहां भी दशमलव के बाद 2 अंक है, यहां भी दशमलव के बाद 2 अंक है, और दशमलव को अगर हम छोड़ के इसे पढ़ें तो ये 303 और ये 330, अर्थात ये वाली जो संख्या है, दशमलव संख्या, ये बड़ी है। इसलिए 3.30 बड़ा है। प्रश्न संख्या 4 जोड़िए। यहां 4 प्रश्न है, इसमें से मैं पहला प्रश्न हल कर रहा हूं। यह है 15.25, दूसरी संख्या है 5.2 और तीसरी संख्या है 3.30। तो इसे हम स्तंभ में सजाते हैं। तो पहली हमारी संख्या है 15.25। स्तंभ में सजाने में जोड़ने या घटाने जो भी हो, हमें एक विशेष ध्यान रखना है कि हमेशा दशमलव के नीचे दशमलव ही आए। तो दूसरी संख्या को हम इस तरह से लिखेंगे कि दशमलव के ठीक नीचे दशमलव आए। तो इसके लिए एक ट्रिक अपनाते हैं कि पहले हम दशमलव ही लिख लेते हैं, ठीक है। अब यह है 5.2, तो दशमलव के बाद यहां 2 है दाहिनी ओर, तो 2 लिखते हैं, और बाई ओर 5 है तो 5 लिखते हैं। तीसरी संख्या में भी यही करते हैं, पहले दशमलव ही लिख लेते हैं, इसके बाद दाहिनी ओर 3 है और 0 है, और बाईं ओर 3 है। अब इसे जोड़ते हैं तो ये 5 और 0 5 हो गया, 2, 2, 4, 3, 7 हो गया, और ये दशमलव अपनी जगह पर है, 5, 5, 10, 3, 13 का 3 हो गया, और हाथ में रहा 1, 1, 1, 2 हो गया। तो ये हमारा आ गया 23.75। तो इसका जोड़ हो गया 23.75। ठीक इसी विधि से हम लोग बाकी जो प्रश्न है इसमें 2, 3 और 4, इसे हम जोड़े के हल करेंगे इसे। अब हम पांचवा नंबर प्रश्न ले रहे हैं, ये है घटाओ। तो इसका भी मैं 1 ले रहा हूं, कौन सा लो, चलिए दूसरा नंबर लेता हूं। तो ये है 503.05 घटाओ 175.53। तो आइए इसे स्तंभ में लिखते हैं, 503.05। अब दूसरी संख्या को इसके नीचे इस तरह से लिखेंगे कि दशमलव के नीचे दशमलव आए। तो फिर वही ट्रिक अपनाते हैं, पहले हम दशमलव ही लिख लेते हैं, दशमलव हमने लिख लिया, तो अब दाहिनी ओर क्या है, 5 और इधर 3, और बाईं ओर आते हैं तो ये 5, ये 7 और ये 1। अब इसे घटाते हैं तो 5 से 3 घटा तो ये आ गया 2। अब यहां 0 है,
तो शून्य से पांच नहीं घटेगा, तो हम जानते हैं कि हासिल लेते हैं, तो ये हासिल हमने लिया, तो ये हो गया 10, और 10 से 5 घटा तो 5, दशमलव अपनी जगह पर रहेगा। यहां से एक हासिल हम ले चुके थे 3 से, ये 2 बच गया, तो इधर से फिर हासिल लेंगे 12, और 12 से 5 घटेगा तो 7, अब ये हो गया 9, तो 9 से 7 2, और यहां से हमने एक हासिल ले लिया था, ये 4 बचा, तो 4 से 1 गया 3, तो ये हमारा आ गया आंसर 327.52। 327.52। तो इस तरह के प्रश्नों को हम इसी तरह से हल करते हैं। तो इसके बाकी जो प्रश्न है उन्हें आप स्वयं से हल करें। प्रश्न संख्या 6। जॉन ने 45 रुपया 50 पैसे में एक नोटबुक, 15 रुपया 25 पैसे में एक पेन और 5 रुपये 75 पैसे में एक पेंसिल खरीदा। उसने दुकानदार को 100 रुपये का एक नोट दिया। बताइए उसे कितने रुपये वापस मिलेंगे? आइए इसे हल करते हैं। तो नोटबुक का मूल्य, नोटबुक का मूल्य ये है 45.50 रुपये में है, और इसके बाद है पेन का मूल्य, पेन का मूल्य ये है 15.25। अब इसके बाद है पेंसिल का मूल्य, पेंसिल का मूल्य ये है 05.75। तो कितना खर्च हुआ इसे हम जोड़ते हैं। यहां एक चीज गौर करेंगे कि हमने यहां लिखा है दशमलव के नीचे दशमलव ही लिखा है, इसी तरह से सजाया है, बिल्कुल दशमलव के नीचे दशमलव। तो अब इसे जोड़ते हैं, 0.55, ये 10 हो गया, 10 का 0 हाथ में रहा, हासिल 1। तो यहां हासिल एक जोड़ दे रहे हैं 5 में, 5 और 1 6, 6 और 2 6 और 2 हो गया 8, 8 और 7 15, 15 का 5 हासिल रहा 1, और ये दशमलव अपनी जगह पर रहेगा। तो ये 5 में एक जोड़े तो 6, 6 5 11, 5 16 का 6 हाथ में हासिल रहा 1, तो 4 में यहां जोड़ते हैं 5 और 1 6। तो उसने जो सामान खरीदा, नोटबुक पेन पेंसिल, ये हो गया 66.50 रुपया, यानी 66.50 रुपया। और उसने दुकानदार को नोट दिया 100 रुपया का, तो कितना वापस होगा? इसलिए वापस होने वाली रकम ये 100 से हम घटा देंगे, 100 रुपये से 66.50, तो इसे हम स्तंभ विधि में इसे घटाते हैं, 100 रुपये यानी 100.00, पैसा नहीं है इसलिए 0.00। अब इससे हम 66.50 को घटाना है, तो यहां पहले दशमलव लिखते हैं, यहां 5 0, यहां 6, यहां 6, तो ये 0 है, तो 0 से 0 0, यहां 0 है और यहां 5, तो 0 से 5 नहीं घटेगा, तो एक हासिल ले लेते हैं यहां, तो ये 10 हो गया, 10 से 5 घटा तो ये 5 दशमलव, तो ये 9 हो गया, तो 9 से 6 हो गया ये 3, और ये 9 से 6 हो गया 3, तो इससे कितने रकम वापस होगी? 33.50 रुपये, अर्थात 33 रुपये 50 पैसे।